बिहार का विकास सातवें आसमान पे पहुंचाने वाला सरकार को मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। अभी मैं इस देश का सबसे खूबसूरत शहर में से एक चंडीगढ़ में हूं। यहां का विकास जमीन पे होता है, कागजों पे नहीं होता है। और बिहार सरकार का विकास जो है पिछले 15 साल से 15% के रेट के हिसाब से जापान और चीन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे विकसित राज्य कागजों पे बन चुका है। जमीनी हकीकत बाकी आप सभी को पता है। जब 1950 में बिहार का डेवलपमेंट जो है पंजाब और हरियाणा से कोसों आगे था जमीन पे, लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा का विकास जो है जमीन पे तो बहुत हो गया, बिहार का विकास सिर्फ आसमान में। जमीनी हकीकत को बदलना होगा, कागजी हकीकत से आगे आना होगा। और सच्चाई ये है कि सरकारों से हमने तो अनेकों सवाल किया, अब हमें खुद से सवाल करना होगा, बिहार के लोगों को सुधारना होगा। तो जमीनी हकीकत ये समझने की ज़रूरत है कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, यानी हम निर्भर हैं सरकारों पे। कभी पंजाबी लोग जो है ना, सरदार लोग सरकारों पे निर्भर नहीं रहे, कभी हरियाणा के जाट गुर्जर जो है ना वो सरकारों पे निर्भर नहीं रहे, वो दृढ़ इच्छा शक्ति से लड़े। और जब लड़ते हैं तो आप सभी को पता है कि 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पीछे हटना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ जो बकवास करेगा वही राज करेगा, अगर काम करने वाले हमारे यहाँ राज करते ना तो शायद मेहनती मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज, सब कुछ बिहार में है, साथ में हर घर में काबिलियत पैदा होता है। इसके बावजूद भी हम बीमार राज, लाचार राज, मजबूर राज और मजदूरों का राज क्यों कहलाते हैं? बस थोड़ा हमें अपने अंदर भी झांक के देखना होगा और सही नेताओं को वोट देकर सही सरकार को चुनना होगा, तब जाके हमारा भी बिहार जो है ना हिंदुस्तान के दूसरे विकसित राज्यों के तुलना में खड़ा हो पाएगा। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चंडीगढ़ से बिहार की हकीकत को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।